नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी। आज हम बना रहे हैं तिल की चटनी। तिल की चटनी दोस्तों बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये चटनी है। आइए हम इसके लिए देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको समय समय तक मिलती रहे। तिल की चटनी बनाने के लिए हमने ये तिल लिए हुए हैं आधा कटोरी, और ये थोड़ी सी हम इसमें चीनी लेंगे, और ये एक चम्मच जो है नींबू का रस निकाल के लिया हुआ है, और ये एक आधा थोड़ी सी हमने मूंगफली ली हुई है। अगर दोस्तों आपके पास काजू है तो आप काजू के साथ भी बना सकते हैं। मेरे पास मूंगफली थी तो मूंगफली डाल रही हूँ। दो में से एक आप कुछ भी डाल सकते हैं, अच्छा बनेगा। ये मैंने पैन चढ़ा लिया हुआ है गैस पर। सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। अब हम तिल को भी भून लेंगे, थोड़ा ब्राउन होने देंगे और ज़्यादा नहीं जलाएंगे और उठा लेंगे। तिल हमारे हो चुके हैं, अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे। ये मूंगफली मैंने छिलका उतार के ले ली है। अभी मैं इसमें भुने हुए तिल भी डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। इसमें डाल रही हूँ मैं पीसी हुई आधा चम्मच लाल मिर्च, और अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उससे बहुत अच्छे टेस्ट आता है और उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। और एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, और इसमें थोड़ा सा दो तीन चम्मच बड़े पानी के डाल रही हूँ। बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लूँगी। अब मैं पीसूँगी। ये मैंने पीस के ले लिया हुआ है, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया। अगर दोस्तों इसमें पीसा मैंने मिक्सी में, अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप सिलबट्टे के ऊपर भी पीस सकते हैं। वैसे तो सबके पास ही होती है, लेकिन कई बार होता है कहीं कहीं होती भी नहीं है, तो आप सिलबट्टे के ऊपर बहुत अच्छे से पीस सकते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें नींबू का रस, जो हमने एक नींबू से निकाल के रखा है, इसको भी मिला लेंगे ठीक से। अभी ये मैंने तेल लिया हुआ है एक चम्मच, अभी इसमें डाल रही हूँ राई और दो सूखी मिर्ची। अभी मैं इसके ऊपर से इसको डाल दूंगी और जल्दी से इसको ढक दूंगी। और ये हो गई हमारी चटनी तैयार, तिल की चटनी तैयार। दोस्तों बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे आप अगली वीडियो में।